वेलकम फ्रेंड्स आर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब से उसका इंसेप्शन हुआ है, जब से उसकी शुरुआत हुई है इंडिपेंडेंट के बाद, और अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या निपोटिज्म रहा है, अभी के जजों का जो रिटायर्ड जज है उनका उनसे क्या रिलेशन है, और जो रिसेंटली में अभी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया है किरण रिजिजू ने कि कोलेजियम सिस्टम में हमारे कुछ खामियां उसे सुधारने की ज़रूरत है, इसी वजह से पूरा सिस्टम जो है कोलेजियम सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ जो है बहस तीखी हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी के जो रिसेंटली में जो जजेज़ हैं उनका, पुराने जो जजेज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनसे उनका क्या रिलेशन है, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, कंसल्टेशन बट का क्या मतलब है, और जो फर्स्ट जज के सेकंड जज के जो कैसे इंसेप्शन हुआ कोलेजियम सिस्टम का, और कैसे सुपरसीडेड गवर्नमेंट ने भी किया था अपॉइंटमेंट को लेके, तो पूरी शुरू से लेके आखिर तक हम जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो निपोटिज्म इन सुप्रीम कोर्ट, अभी हमारे जो रिसेंटली के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो वाई बी चंद्रचूड के बेटे हैं, और वो कौन थे, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये कौन से, अभी फिलहाल में डीवाई चंद्रचूड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये किनके बेटे हैं, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। फिर के एम जोसेफ, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये के मैथ्यू के बेटे हैं जो कि 1971 से 76 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। संजीव खन्ना, ये एच आर खन्ना के भतीजे हैं और हाई कोर्ट में इनके पिताजी भी रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। बीबी नागरत्ना, ये फर्स्ट लेडीज़ 2027 में 2027 में फर्स्ट लेडीज़ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी ये। इनके जो पिताजी थे ई एस वेंकटरमन, ये सी जे रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। ए के सीकरी जो अभी करंटली में हैं, उनके पिताजी एस एम सीकरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। दीपक मिश्रा जो अभी रिटायर हुए हैं 2-3 साल पहले, उनके चाचा रंगनाथन मिश्रा सीजेआई रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो निपोटिज्म तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के जो लॉयर होते हैं या फर्स्ट जनरेशन में जो बच्चे क्रैक करके एग्ज़ाम पूरी प्रोसेस के थ्रू जो जजेस बनते हैं सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज, उन्हें इतना मौका नहीं मिल पाता है सुप्रीम कोर्ट में अपने आप रिप्रेजेंटेशन देने का, क्योंकि जो अदर स्टेट हैं उन्हें भी इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, और जो और बैकवर्ड क्लास हैं ST, SC, OBC या माइनॉरिटी, उन्हें भी इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है और राष्ट्रपति वही अपॉइंट कर देता है। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ कोलेजियम सिस्टम, ये कोलेजियम सिस्टम किससे बनता है, CJI जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और 4 सीनियर मोस्ट जज, सीनियर जज, ये 5 का ग्रुप होता है, 5 जजों का ग्रुप होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट, जो भी सीनियर रहेगा 4, वो 4 जज रहेंगे, एंड टोटल 5 रहते हैं। और ज़्यादातर ये किसके नेतृत्व में काम करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट का किसके ट्रांसफर करना है, जैसे इस हाई कोर्ट माना इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का दिल्ली हाई कोर्ट जज में ट्रांसफर करना है, तो ये भी इस काम को ये देखते हैं। जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आएगा हाई कोर्ट से प्रमोट होके, वो भी ये काम देखते हैं। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारा आर्टिकल 124 है संविधान का, आर्टिकल 124 है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, उसमें एक वर्ड है कंसल्टेशन। पहले क्या था, ये कंसल्टेशन वर्ड का ये मीनिंग था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज अपॉइंट होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों आपस में कंसल्ट करेंगे और इनकी कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देंगे, बाइंडिंग नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट से भी कुछ खामियां हुई 1973 में A.N. रे को 3 जजों को सुपरसीडिट करके, यानी 3 जजों को पीछे छोड़ के उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो सरकार के पक्ष में था, केस बनंदी भारती केस में उनका जजमेंट सरकार के पक्ष में था, और जो जजेस थे जैसे हेगड़े और भी जजेस थे उनका डिसेंट जजमेंट था, तो उन्हें पीछे रख के चीफ जस्टिस किसे बना दिया, ए एन रे को, जिससे कि जुडिशरी में थोड़ा जजों में निराशा उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद एच आर खन्ना का केस हुआ 1977 में ही, उन्हें भी क्या नाम सुपरसीडिट करके वेक साहब को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में ही,
1981 में एसपी गुप्ता केस, और इसी केस को बोलते हैं फर्स्ट जज केस। फर्स्ट जज केस में क्या होता है कि ये जो क्लोजअप सिस्टम है इसका कहीं ना कहीं जिक्र होने लगता है। फिर सेकंड जज केस में 1993 में जजेस का क्लोजअप सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर क्लोजअप सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णता आपको देखने को मिलेगा पूरा रूप से वो आपको 1998 में थर्ड जज केस के बाद में क्लोजअप सिस्टम और कंसल्टेशन वर्ड का कॉन्करेंस में चेंज कर देते हैं। कंसल्टेशन वर्ड जो 124 में है उसे पूरा चेंज करके कॉन्करेंस कर देते हैं कि इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, किन की, कोलोजियम सिस्टम की। कोलोजियम सिस्टम में कौन लोग हैं, 5 लोग, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक चार सीनियर मोस्ट जज। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज नहीं रहते, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये। तो ये रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री इनका नाम भेजती है और प्रेसिडेंट इन्हीं को अपॉइंट कर देते हैं। फिर क्या हुआ, 2014 में सरकार एनजेएसी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में लेके आई। इसमें भी पूरा प्रोसेस था कि जजेस भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे, फिर गवर्नमेंट के भी लोग रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे नल एंड वॉइड, ये कौन सा था, 99 अमेंडमेंट था, इसे नल एंड वॉइड कर दिया, इसे पूरा खारिज कर दिया और कोलेजियम सिस्टम को ही कंटिन्यू रखा। ये तो पूरा बैकग्राउंड था, आपने देखा नेपोटिज्म और कंसल्टेशन वर्ड। जजेस का केस भी देखा, 1981 में हुआ था एसपी गुप्ता के, जैसे फर्स्ट जज केस कहते हैं, फिर 1993 में सेकंड जज हुआ था, 1988 में थर्ड जज केस हुआ, जिससे पूरा इवॉल्व हुआ कौन, कोलेजियम सिस्टम। अभी रिसेंटली में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बयान दिया है कि कोलेजियम सिस्टम में ऐसी खामियां हैं कि जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं उन्हें 24 जजेस को सुपरसीडेड करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, और ये बात सच भी है। सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड लोगों का बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और भी जो स्टेट हैं कुछ स्टेटों का तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो एक कोलेजियम सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट बनाम गवर्नमेंट में एक बहस छिड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं तो है कि बेटा बाप ये चलता आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ खामियां रहीं, जैसे कि यहाँ पर एन रे को बना दिया गया, फिर बेग साहब को कर दिया गया यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके बीच का रास्ता हमें कहीं ना कहीं अपना रहा है, जिससे कि जुडिशरी भी, क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के मेन तीन पिलर माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तीनों को बैलेंस करके चलना है। और कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करते हैं कि जो मीडिया है एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो चारों को मेंटेन करके चलना है, जिससे कि हमारे देश में लोग तरक्की करें और जुडिशरी पे लोग विश्वास करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।